गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियोस के साथ उपस्थित हूँ। मैंने इससे पहले आपको स्टैटिक्स की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ाया था। आज हम बात करते हैं स्टैटिक्स के नए पार्ट्स के बारे में, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी कि सांख्यिकी की विशेषताएं क्या हैं, ये मैंने नीचे लिख दिया। लेकिन सांख्यिकी की विशेषताएं क्या हैं, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। सांख्यिकी की विशेषताओं को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि दो भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिकल डाटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिकल डाटा, और इसको भी हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिकल डाटा को सांख्यिकी की विशेषताएं ही कहते हैं। मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताना के लिए शुरू कर रहा हूँ। आज मैं एक नया प्रयोग कर रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम आप दोनों लोगों को एक साथ स्टडी कराने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आएगा मेरा पढ़ाया हुआ। मैं पूरा अपना प्रयास कर रहा हूँ कि आपको दोनों लोगों को हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम को एक ही साथ समायोजित कर सकूँ। अब बात करते हैं हम स्टैटिकल ऑफ डाटा की। जैसा कि मैंने आपसे कहा, स्टैटिकल डाटा के बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टैटिक्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक्स ऑफ आर एस फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है, स्टैटिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट फैक्ट्स क्या हैं, एग्रीगेट फैक्ट्स के बारे में आपको डिफाइन करता हूँ। स्टैटिकल डाटा आर नॉट डिपेंड्स अपॉन द सिंगल फैक्ट्स और सिंगल वैल्यू, यानी कि सिंगल फैक्ट्स नहीं है ना सिंगल वैल्यू है। इन द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स द सैलरी ऑफ ए स्पेसिफाई मैन और द मार्क्स ऑफ ए स्पेसिफाई स्टूडेंट्स इज नॉट कॉल्ड स्टैटिकल डाटा, बट द सैलरीज ऑफ ऑल मैन इन ए स्पेसिफाई फ्रॉम ऑफ द इंडस्ट्री एंड द मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास ऑफ कॉलेज आर कलेक्टेड ऑफ स्टैटिकल डाटा। इट इज़ नेसेसरी दैट द डाटा इंक्लूड्स द नेसेसरी फैक्ट्स रिलेटेड टू द सैलरी और मार्क्स। आपको मैंने स्टैटिकल ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स के बारे में बताया, यानी कि समंग मीन्स नंबर और तत्व होते हैं, तत्वों को हम बोलते हैं फैक्ट्स। इनका समूह है, इस समूह में हमें क्या करना है, कैसे करना है। समंग यानी कि नंबर्स का एक समूह होता है। हम कोई भी काम करते हैं तो चार लोगों ने मिलके किया, पांच लोगों ने मिलके किया, कितने लोगों ने मिलके किया, उतने नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक समूह बन जाएगा। किसी अकेली संख्या को तथ्य या समंग नहीं कहा जा सकता, यानी सिंगल नंबर्स को तथ्य नहीं बनाया जा सकता, यानी कि उसको फैक्ट्स नहीं माना जाता। सिंगल नंबर्स किसी भी काम का नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक व्यक्ति की आय या किसी छात्र द्वारा किसी विषय में प्राप्त अंक इत्यादि, यानी एक व्यक्ति की अगर सैलरी को देखा जाए कि कितनी सैलरी है, या एक व्यक्ति एक बच्चे के किसी स्टूडेंट के एक नंबर्स देखे जाए, तो उस नंबर से उस क्लास का परसेंटेज नहीं निकाला जा सकता है कि कितने बच्चे पास हुए कितने बच्चे फेल हुए। इसी तरीके से एक व्यक्ति की अगर सैलरी को हम देखें और सैलरी के अकॉर्डिंग हम सारे व्यक्ति उस जगह उस संस्था में काम कर रहे सारे व्यक्तियों के बारे में ये जाने कि इनकी सैलरी इतनी है, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए हमको डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा, यानी कि समंग इकट्ठे करने पड़ेंगे। परंतु यदि एक से अधिक व्यक्ति की आय, एक से अधिक छात्रों को किसी विषय में प्राप्त अंक दिए हों, तो समंग माना जा सकता है। यानी कि अधिक व्यक्तियों की सैलरी के बारे में हमको मालूम हो
या अधिक छात्रों के प्राप्तांक, क्लास के अधिक छात्रों के प्राप्तांक मालूम हो, तो उस कलेक्शन, उस डाटा कलेक्शन से हम ये मान सकते हैं या कहा जा सकता है कि ये समंक है, यानी कि समंक मीन्स स्टैटिकल डाटा है, फैक्ट्स है, एग्रीगेट्स है, इसको माना जा सकता है यदि इसमें आवश्यक सूचनाएं दी गई हो, यानी कि जो इम्पोर्टेंट्स हैं अगर वो हमारे पास डाटा में है तो इसको माना जा सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपसे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की स्टडीज आप स्टडीज आर न्यूमेरिकल एक्सपेंसेस, क्या है स्टैटिक्स आर द न्यूमेरिकल एक्सपेंडिचर की बात हम लोग करते हैं, यानी कि एनी इंफॉर्मेशन या एनी फैक्ट्स कैन बी एक्सप्रेसेड टू मैनर्स, क्वालिटेटिव और इन क्वांटिटेटिव, इफ इट इज रिटर्न द मार्क्स ओबिडेंट बाई अभीज more than Sunil and Deepak, then is the collected quantitative facts. It is not statistical data. But if it is said, marks obtained by Abhi 80, by Sunil 70 and by Deepak 60 in statistical out of 100, then it said quantitative facts are collected statistical data. करी हम लोगों ने सेकंड पॉइंट की स्टैटिकल और न्यूमेरिकल एक्सपेंड, यानी कि समंक संख्यात्मक रूप से व्यक्त किए जा सकते हैं। समंक क्या है, यानी कि डाटा को हम संख्यात्मक रूप से प्रेजेंट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं सामने किसी के, जैसे कि बताया गया कि किसी भी सूचना या तथ्य को दो प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी वस्तु या सूचना को हम टू टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं, गुणात्मक रूप से या संख्यात्मक रूप से, यानी कि हम डिवाइड कर दें किसी चीज को, वन से वन को मल्टीप्लाई कर दें यानी वन, एंड संख्यात्मक वन टू वन प्लस वन यानी टू। यदि यह लिखा जाए कि छात्र अभय का प्राप्तांक सुनील और दीपक से अधिक है तो उसे गुणात्मक रूप से सूचना कहेंगे, इसे समंक नहीं कहा जा सकता। आप समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि अभय का प्राप्तांक सुनील और दीपक से अधिक है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कितने नंबर्स अधिक हैं, कितना अधिक है, सिर्फ बोल दिया गया अधिक है, तो हमें मानना पड़ेगा अधिक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि सोच सकते हैं कि इन दोनों का प्राप्तांक उससे अधिक है, लेकिन हमारे पास कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको डाटा नहीं कह सकते, समंक नहीं कह सकते हैं। यदि किसी सूचना को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए, कोई डिफरेंट सूचना इस प्रकार प्रस्तुत करे जाए कि छात्र अभय को स्टैटिक्स में यानी सांख्यिकी में 100 में से 80 अंक मिले हैं और दीपक को 70 में से 60 अंक मिले हैं, तो आपके सामने क्या आ गया, 100 अंक अभय और 100 में से कितने मिले, 100 में से 80 मिले हैं और दूसरों को मिले हैं 60 और 70। तो सीधे सीधे क्लेरिफिकेशन हो जाता है कि 80 नंबर वाले बच्चे को यानी कि अभय को सबसे ज्यादा प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं और सुनील व दीपक को अभय से कम प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं। इस कलेक्शन से हमको यह मानना पड़ेगा कि यह समंक है, ये हमारे पास डाटा है, तीनों के नंबर्स हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, स्टैटिकल ऑफ एफेक्ट टू द मार्क्स एक्सपेंड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोर्सेस। बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की, स्टैटिकल्स आर अफेक्टेड टू द मार्क एक्सटेंडेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस। इफ प्राइस ऑफ कम्युनिटीज ऑफ सर्विस आर इंक्रीजिंग वेरी हाई इन एनी प्लेस ऑफ स्टूडेंट आर एग्री ग्रेटिंग वेरी गुड मार्क्स, देन दीज इवेंट्स आर हैपनिंग ड्यू टू शो मैनी केसेस। प्राइस of commodities is increasing reason may be less production of goods or less supply of profit making habits or tenders of high cost production। थर्ड पॉइंट की बात अब हम लोग थोड़ा सा हिंदी में करते हैं कि
कि संबंध अनेक कारणों से पर्याप्त मात्रा से प्रभावित हो सकते हैं। जो डाटा है हमारे पास वो कई कारणों से इफेक्टिव हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। अगर कहा जाए कि किसी भी वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य तेजी से अप एंड डाउन हो रहा है, यानी उतार और चढ़ाव हो रहा है, हम आज ही कल की बात क्यों ना करें। आजकल आप बाजार में जाते हैं, अगर आप में से कोई सब्जी लेने जाता है, मार्केट में जाता है, तो आज सब्जियों के रेट कहाँ हो गए। अभी लॉकडाउन पीरियड की बात करें तो लॉकडाउन पीरियड में सब्जी के रेट डाउन हुए थे, दालों के रेट डाउन हुए थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम एकदम से अप हो रहे हैं, यानी कि तेजी से ऊपर चढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आज आलू 50 रुपए किलो पहुंच गया है, जहां आलू 15 रुपए और 20 रुपए में हमको मिलता था। यानी कि क्या हो रहा है, अप एंड हो रहा है। हो सकता है कल आलू की खपत मार्केट में बढ़ जाए, कोल्ड स्टोर में रखा आलू मार्केट में आ जाए, किसानों के द्वारा मार्केट में आलू बिक्री के लिए आ जाए, तो क्या होगा, फिर से रेट जो होंगे क्या होंगे, डाउन होंगे, एकदम से नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें, अभी हमने बात करी थी मार्क्स की, अभी आप में से कुछ विद्यार्थी हैं, आप लोग पास आउट हो गया इंटर क्लासेस से, तो आपके क्लास के बहुत से विद्यार्थियों के अच्छे अंक आए होंगे, बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे जिनके अंक किसी रीजन से कम आए होंगे। उस क्यों कम आए, उसके पीछे क्या इफेक्ट्स थे, क्या कारण थे, क्या घटनाएं थी जिसकी वजह से आपके नंबर कम आए और दूसरे के नंबर हाई आए, इसके पीछे तमाम कारण हो सकते हैं। कि अभय के नंबर 80 आए थे, मैं अपनी बात करूं, पुनीत के नंबर 80 आ गए है, और आप में से किसी बच्चे के नंबर, सदनान ने एडमिशन लिया है, सदनान के नंबर 60 आ गए, ठीक है, वही योशा के नंबर 70 आए, तो आखिर पुनीत ने ऐसी क्या पढ़ाई की नंबर 80 आए, और सदनान ने ऐसी क्या पढ़ाई की नंबर 60 आए, योशा ने ऐसा क्या किया कि 70 आए, या हम तीनों के एवरेज को मिला के किसी ने 90 या 92 मार्क्स प्राप्त कर लिए, क्या उसके ऊपर टीचर ने कोई ज्यादा इफेक्ट डाल दिया, क्या ऐसा क्या रीजन था कि उसके नंबर 92/192 आ गए। ये हमको सोचना पड़ेगा, यानी कि मूल्य तेजी से अप एंड डाउन, ये घटना हमको अनेक कारणों से प्रभावित कर सकती है, इसके पीछे बहुत से फैक्ट्स हो सकते हैं। वस्तुओं का मूल्य चल रहा है, उत्पादन हमने बात अभी सब्जियों की करी थी, दालों की करी थी, हो सकता है प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम होने की वजह से मार्केट में सप्लाई कम है, सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्शन कम है तो मार्केट को सप्लाई कहाँ से देंगे, सप्लाई कम होगी मार्केट में कम चीज आएगी तो, और खरीदार हम ज़्यादा हैं यानी उपभोक्ता हम लोग ज़्यादा हैं, तो सिंपल सी बात क्या होगी, हमको उसकी मार्केट में प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें नंबरों की, तो हो सकता है 92 वाले नंबर आने वाले ने, उसने एक्स्ट्रा मेहनत करी हो, पढ़ाई करी हो, कहीं कोचिंग पढ़ा हो, एक्स्ट्रा टाइम दिया हो अपनी स्टडी को, डिफरेंट तरीके से स्टडी करी हो, तो उसने 92 मार्क्स ले आए हों। हो सकता है हम लोगों ने कम पढ़ाई की हो, डिफरेंट दूसरे तरीके से की हो, यानी कि कुछ चेंजेस तो दोनों लोगों में होंगे ना, तभी तो इफेक्ट पड़ा, यही कारण है। नेक्स्ट 4 पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, स्टेटिकल आर कलेक्टेड बाई इन्फॉर्मेशंस और एस्टिमेशंस। डिफरेंट क्या है दोनों में, स्टेटिकल डाटा कैन बी कलेक्टेड बाई इन्फॉर्मेशन ऑफ एस्टिमेशंस। पॉपुलेशन स्टेटिक्स इज कलेक्टेड इन इंडियन एवरी आफ्टर 10 ईयर, बट स्टेटिकल डाटा बिटवीन द ईयर कैन बी ओबिडेंट बाई इनिवेशंस। डिफरेंट एंड डिफरेंट कलेक्शंस पीरियड, इट इज द जनरल प्रैक्टिस दैट इट एरिया बाई इनिवेशन इज राइड ऑफ कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल देन स्टेटिकल डाटा ऑफ कलेक्टेड ऑन द बेसिक ऑफ इनिवेशंस। यानी कि बात हम करेंगे नेक्स्ट क्या है, समंकों का संलग्न गणना द्वारा अनुमान के आधार पर हो सकता है। समंकों का संलग्न किसके द्वारा हो सकता है, अनुमानित, यानी कि हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, हम लोग कहते हैं ना मान लो ऐसा हुआ था, यानी कि ये क्या है, हमने अनुमान लगाया कि मान लो ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था हमको नहीं मालूम, हमको उस फैक्ट पर सिर्फ मान लेना है, एग्जाम्पल कर लेना है। समंकों का संकलन डाट गणना, यानी कि संकलन को हम क्या करते हैं, गणना करनी है, गणना द्वारा अनुमान
लगाया जा सकता है। किसी चीज की हम गणना कर लें, जैसे अगर एक एग्जाम्पल की हम बात करें आपको,